अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी बजे हैं 11:30 और मैं अभी कॉलेज से घर जा रहा हूँ। असल में आज मेरा एग्ज़ाम था, दो एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल का भी और थ्योरी का भी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। तो अचानक से आना पड़ा कॉलेज, तो अब चले हैं घर के लिए। असल में आज हमारा प्लान था एक शूट करने का, अब्दुल्ला का फेस रिवील। तो बहुत टाइम से रुक रहे थे, अब आज अब्दुल्ला मान गया है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द शूट और एडिट करके अपलोड करने की वीडियो। तो एक नई चीज़ आप लोगों के लिए लाना है इंशाल्लाह। तो ये रमज़ान था, रमज़ान में मतलब वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि रोज़ रोज़ व्लॉग करना था, फिर एडिट करना था, तो वो क्वालिटी नहीं थी। अब थोड़ा टाइम लगेगा बट क्वालिटी अच्छी होगी। अब क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करेंगे। लाइक अब जो भी चीज़ आएगी उसके अंदर कुछ ना कुछ सबक होगा और बहुत यूनिक चीज़ आएगी। तो बहुत सारे किस्म के व्लॉग्स करेंगे, लाइक ट्रैवल व्लॉग्स तो हम करते हैं, और उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ इंशाल्लाह। तो ईद के बाद अब सब कुछ स्टार्ट होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लेंगे ना हम भी। तो डेली व्लॉगिंग में ऐसा नहीं होता, अगर आपको क्वालिटी देनी है तो फिर आपको टाइम लेना पड़ता है, एक ही दिन में सोच के फिर उसको एडिट करके अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रमज़ान में ये इसलिए मैंने किया ताकि कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी। हम 1:30 बजे जैसे शूट के लिए निकल जाएंगे, तो हमने जगह देख ली है, एक जंगल, वहाँ पे शूट करना है। तो मैं अभी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, थोड़ी स्क्रिप्ट सामने होनी चाहिए, दिमाग में है बट लिखी हुई नहीं है। मैं पहले लिखता हूँ, ये मैं कुछ सीन लिख रहा था स्क्रिप्ट के लिए, 10 सीन्स का स्क्रिप्ट है पूरा। मैं था यासिर भाई की शॉप पर अमामा बनवाने, और कुछ ये कुरान वगैरह कुछ उठाना था। तो अब मिले यहाँ पे शीजन भाई, हमने स्क्रिप्ट वगैरह हमने स्क्रिप्ट वगैरह मतलब जो लिखी थी उसको प्रिंट करवा दिया, क्योंकि आसानी होती फिर वहाँ भी, 8-10 सीन करने हैं बस। तो ये इनको बोलो अब्दुल्ला कौन है भाई, पता नहीं आपने बोला ही नहीं कौन है, दिख जाएगा ईद के दिन इंशाल्लाह, कोशिश होगी ईद के लिए, उसके बाद फिर क्या पता अब कब डालेंगे, बट ईद के दिन शाम को इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी। चलो फिर मिलेंगे। किसकी शॉप है? पोस्टर बना रहे हैं। ओके, ऑर्डर दे रहे हैं अमीर साहब पोस्टर बनाने का, ईद का पोस्टर, ईद मुबारक वाला। मैं घर से भूल गया था कुरान पाक और जायनमाज लाना, तो अब मैं आ गया था नगरी। यहाँ पे एक भाई की शॉप है, यहाँ पे आपको हर किस्म की बुक्स मिल जाएंगी, हर किस्म के हदीसों की किताबें, तफसीर सब कुछ मिल जाएगा, तर्जुमे और तारीख की किताबें जो आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो जायनमाज कुरान वगैरह भी है यहाँ पे, तो मैंने इधर से उठाया शूट के लिए। तो अब मैं अभी जाएंगे हम, सुहेब भाई आ रहे हैं घर से, अब मेहरान भाई नहीं आ रहे हैं, अब हम तीन जने हैं, मैं हूँ, अब्दुल्ला है और सुहेब भाई है। लोकेशन पे, यह लोकेशन, ऊपर जाना हमने जंगल में। तो देखते हैं अभी हो पाएगा शूट या नहीं, क्या लगता है सुहेब भाई, होगा? होगा अभी इंशाल्लाह, देखते हैं। हमारे पास एक घंटा अभी, हमारे पास सिर्फ 1 घंटे में हमने शूट करना है, फिर जाना है। मुझे नहीं लगता हो पाएगा, ट्राई करेंगे हम। अब्दुल्ला हमसे पहले यहाँ पे पहुँचा है, तो अभी मैं और सुहेब भाई पहुंच गए। अरे भाई जल्दी जल्दी, अब्दुल्ला देखो पहले पहुंच के बैठ गया है। यहाँ पे लेंगे हम पहला शॉट, अपना पहला सीन हुआ यहाँ का, भाई जल्दी करो। Just don't wanna live anymore. I'm fed up. This life is so demanding. मेरे शॉट्स हो गए कुछ, तो अभी अब्दुल्ला के शॉट्स बचते हैं, तो वही लेने चले हैं। ये अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के लिए कोई 5,000 रुपये लगेगा शूटिंग का। अब बाल्टी करो अपने, वैसे इतनी अच्छी वीडियो आ रही है ना। मैं अभी आपको अब्दुल्ला दिखाता हूँ, देख लीजिए कैमरा में, यह है अब्दुल्ला। थोड़ा सा एक और शॉट दिखाता हूँ, थोड़ा सा सर,
अब्दुल्ला शूट हो गया कंप्लीट 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 कंप्लीट। अरे नहीं मैं आपको वो नहीं कर रहा, ये अंग्रेजी वाले बड़ा सताते हैं। नहीं मत करो ऐसे, हमें पता है। शूट हो गया हमारा कंप्लीट, तो अभी हम पैकअप कर रहे हैं। पैकअप हो गया तो ये अब्दुल्ला को ये दे पकड़ो दो भाई। अब्दुल्ला को दे दो ना। अब हमें पता नहीं शूट कैसा हुआ है, तो अब देखेंगे घर जाके। हमने इधर देखे क्लिप्स अच्छे थे, बट कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। अब हमें दोबारा आई थिंक आना पड़ेगा कल, करते हैं ट्राई। आज अच्छा नहीं हुआ कल आएंगे, एडिट कर लेंगे एक बार, हम एक बना देंगे। नहीं मुझे अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? एडिट करो, कलर ग्रेडिंग करो। हम बहुत ज़्यादा दूर आए हैं। टाइम क्या हुआ? बहुत ज़्यादा दूर आए हैं हम। टाइम क्या ज़्यादा? टाइम क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? Let's ask you our audience. क्या? ज़्यादा या ज़्यादा? ज़्यादा। वोट कमेंट्स में बताइए, क्या ये ज़्यादा है या फिर ये ज़्यादा है? ज़्यादा आप बोलो। ज़्यादा। What is the word? ज़्यादा। ज़्यादा ही होता है यार, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादा मिलता नहीं कुछ बिहारी, बिहार में। मैं रेसिस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। रेसिस्ट स्पॉटेड। तो अगर भाई ये वाला शॉट आपने नहीं डाला व्लॉग में, कौन सा? मैं उमर पर ट्रोल करूँगा आपको। कौन सा? वाओ भाई सनसेट। ओ भाई इधर फोटो खाएं, उधर जाओ उस पहाड़ पे, उस पहाड़ पे, उस टॉप पे, उस टॉप पे। क्या सीन है ब्रो भाई, पीछे गाड़ी आ रही है। ए माशाल्लाह मस्त आ रहा है ना। सही में अब्दुल्ला को भी बोला होता वो निकल गया आगे। अरे नहीं खूबसूरत आ रहा, खूबसूरत मुझे पता मैं हूँ। चलो आप नहीं बोल रहा, मंजर आ रहा है खूबसूरत। मैं आपको बिल्कुल ब्लैक ला रहा हूँ उधर। एक मिनट मैं इधर से शॉट लूंगा, आप इधर से आओ उधर के लिए चलो, ठीक है? चलना भी नहीं आता और बड़े नखरों के साथ कैमरे के सामने आ रहा है वो भाई। पीछे से पहाड़ क्या आ रहे हैं आप? छोड़ो, क्या मेरी एक वीडियो ले लो, ये ऐसे करके ऐसे काम करो। लेता हूँ मैं, चलना भी देख ही नहीं रहे हो तो। यही तो कला है ना, जो इस बंदे को शॉट नहीं आते लेने, तब तक सूरज भी ढल गया। आप बताना भाई, यहाँ से डोडा दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। ये है हमारा डोडा, मत करो ये देखा नहीं है। चलो ये दिखा देते हैं, कितना खूबसूरत, खूबसीरत, परहेजगार, बाहया साहिब भाई। साहिब भाई मुझे पता है क्या लगा था, मैं जब देख रहा हूँ ना आपका व्लॉग, एक भाई है हमारे खूबसूरत, खूबसीरत, पता नहीं परहेजगार क्या क्या। अगर आप में से कोई इनको पसंद करता है, इनको रिश्ता भेजो। अरे ये सोचा था, मुझे लगा था लोग यही सोचेंगे। नो लग ही रहा था वैसे, वो कुछ लग रहा था कुछ। हाँ रिश्ते टाइप की मैट्रिमोनियल वीडियो जैसी। देख रहे हो भाई ये होता है। अगर आप में भी किसी ने, आप में से भी किसी ने प्रमोशन करवानी है तो आप बोल सकते भाई एक सीरीज करो आप इस पर। क्या यार सीरियसली, आई वॉज थिंकिंग आपसे मैं पूछता हूँ। मैं सोच रहा था एक सीरीज, एक सर्वे करेंगे कितने यंगस्टर्स विलिंग हैं, यंगस्टर्स विलिंग हैं निकाह के लिए। तो जितने भी हैं आप, वाले जो मेरे मेरे क्लासमेट तो साथ में थे। एक काम करो, जिस तरीके से आपने साहिब भाई का किया था ना वो शाउट आउट, शाउट आउट नहीं मतलब बेसिकली दुआ के लिए, तो वैसे ही आप लोग इनको मैसेज करें कि आप विलिंग हैं, आप लोग इनको मैसेज करें कि आप विलिंग हैं इस चीज़ के लिए, तो ये आपके लिए भी दुआ कराएंगे। अभी सीरीज कराओ यार शुरू। दुआ सीरीज? हाँ दुआ सीरीज। मेरा कहना नहीं है ये, इन जोमेटो वाले भाई साहब का कहना है कि दुआ सीरीज जो जो निकल कर आना चाहता है, हाँ जो जो दुआ करवाना चाहता है वो मैसेज करें, तो हम उनके लिए दुआ करवाएंगे, तो करेंगे भी, करेंगे भी और करवाएंगे भी, जल्द से जल्द निकल करने की। तो मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं लड़का, तो इनके कहने पे मैं आज ही स्टार्ट करता हूँ। तो आप में से
जो निकाह के लिए दुआ कराना चाहता है शोएब भाई से, जैसे साहिब भाई ने कराई, उनने कराई नहीं, उनके लिए मैंने की। उनको मैं ऐसे में ट्रोल कर रहा था ना, उनको साहिब भाई को, इसलिए मैंने की। तो अब अगर आप में से कोई करना चाहता है तो आप मैसेज कर दें, अपने फोटो पे भेजें, अपना फोटो भेजें, मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या कमेंट में कर दें कि हमारे लिए दुआ करें निकाह की। तो फोटो मिल जाएगी फिर आपकी, हाँ फोटो भी भेज दें फिर, तो फिर हम आपको फोटो चिपका के दुआ करवाएंगे। इफ्तार हो गया, मैंने अभी इफ्तार नहीं किया, मैं दुआ कर रहा हूँ पहले किसी के लिए, सुहेब भाई के लिए, साहिब भाई के लिए, तौसीफ के लिए, सब भाइयों के लिए। रुको ऐसे रुको, अल्लाह ताला सबको जल्द से जल्द निकाह करने की तौफीक अदा करे, ऐसे बोलते हैं आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं अभी गैस लाने गया था तो मुझे एक बंदा मिला, बोलता है आप बड़े लालची हो, आप 50 पे बचा रहे हो। तो मैंने बोला क्यों, बोलते हैं आप खुद ही उठा रहे हो गैस। मतलब मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की, ये क्या है, अगर आप इतना आदमी काम खुद नहीं कर सकता तो फिर उसने करना क्या है। मैं तो अपने कपड़े भी खुद धोता हूँ, मैं घर वालों को कपड़े नहीं देता धोने, और बहुत पहले से। मेरे साथ आज जिस सुबह भाई अल्लाह की मदद आ गई, मैं घर से निकला था, असल में टाइम बहुत कम है, मुझे बहुत सारे काम है, टाइम नहीं था, बट गैस लानी थी। तो मैं घर से निकला और मैं पहुँचा ITI के पास, मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक। वहाँ से अब मैंने जाना था ऑटो में, ऑटो में मुझे लगता 200 से 250 किराया गैस एजेंसी तक। तो मैं अभी वहाँ रुक ही रहा था ऑटो को, तब तक गैस सिलेंडर की गाड़ी मोड़ काटने आ गई और मैंने हाथ दिया और वो खुद रुक गए। और मैंने कहा कि मुझे गैस दे दो, ऐसे वो देते ही नहीं है, बट उनने सच्ची में दे दिया। तो मेरा टाइम भी बच गया, पैसा भी बच गया। जब आप तवक्कुल करते हो अल्लाह ताला पर तो ऐसा होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अरफा था और पूरे दिन इतना बिजी हद ख़त्म है। लाइक सुबह मैं 9 बजे निकला हूँ और उसके बाद इतने काम थे कि हम रात को इफ्तारी पे मैं घर पहुँचा, वो भी इफ्तारी में 5 मिनट थे तब। तो अभी शक ही था कि कल ईद है या नहीं, बट ऐलान हो चुका है कल यहाँ पर ईद होगी। तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और ये जो 30 दिन बड़े ज़बरदस्त गुजरे, बहुत सारी चीज़ें की हमने नई, लाइक हमने अंपारा पूरा पढ़ा तफसीर के साथ। मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा या नहीं, बट मेरा हुआ। मैंने अब लास्ट के 10 सूरतें बचती है, वो मैंने पहले से ही पढ़ी हुई है, बट हो गया। मैंने तफसीर के साथ अंपारा पूरा किया और एक तफसीर नहीं, कम से कम 3 या 4 तफसीरें मैंने पढ़ी, और उसके साथ तर्जुमे, लाइक 6 या 7 तर्जुमे हर एक सूरत में। तो नोट्स भी बना दिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक महीने के अंदर इतना ये हो नहीं सकता, बट जितना एक आम इंसान को पता होना चाहिए उतना पता चल गया उनके बारे में, सूरतों के बारे में। तो और 30 व्लॉग्स, लाइक हमने 30 व्लॉग 30 दिन में किए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कभी कॉन्सिस्टेंसी मेरे अंदर थी ही नहीं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। और भी इसके अलावा, मतलब आज तक के जितने मैंने रमज़ान आए हैं मेरी ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल, सबसे ज़्यादा अच्छा, मतलब जो गुज़रा है मेरा रमज़ान वो ये गुज़रा है। और सबसे ज़्यादा जो भी हुआ है इबादत, जो भी हुआ है इसी रमज़ान में सबसे, मतलब पूरा रहा। और ये इसलिए ताकि मैं बिज़ी रहा बहुत ज़्यादा, मतलब काम बिल्कुल पता था मैंने क्या क्या करना है, तो इसलिए। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अब ईद के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, हमें अभी 11 सूरतें बचती है इस सीरीज़ की, तो मैंने सोचा है कि मैं ईद के बाद जो 10 दिन आते हैं, ये 6 दिन आएंगे, हम उनमें रोज़े रखेंगे और उनमें हम ये सारी सूरतें कंप्लीट करके उसके बाद मैं फिर रोज़े नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये रोज़ों में ही ये सारी चीज़ें कम्प्लीट हो जाए मेरे लिए। ये जो अंपारा जितना भी है ये रमज़ान के ही दिनों में पूरा हो जाए। तो इंशाल्लाह हम ईद के बाद 6 दिन रोज़े रखेंगे और उन रोज़ों में हम तफसीर भी करेंगे, वो जो लाश वाली 10 सूरतें बची हैं, ये 11 सूरतें बची हैं इंशाल्लाह।